श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबराद् अरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पीतै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टमयो विष्णुरात्ममुच व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्य चरण द्वंद्वं भक्ति ज्ञानाब्ज भास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अमुने महाराणी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के परम अनुग्रह से परमात्मा सदाशिव भगवान श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट अहमदाबाद की ओर से परमादरणीय पूज्य भागवत ऋषि की सत प्रेरणा से पुण्य प्रिय स्मरण पर्व का यह मंगलमय आयोजन
हुआ है। इसके लिए जिन जिन लोगों ने इसमें प्रेरणा दी है उन सभी को साधुवाद देते हुए विश्ववंद्य पूज्यपाद श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, पूज्य दादाजी, पूज्य नरेंद्र काका, पूज्य प्रद्युम्न शास्त्री जी, पूज्य योगेश भाई शास्त्री जी, पूज्य उदयन भाई शास्त्री जी, इन सबके पावन स्मरण में हम श्रीमद् भागवत का श्रवण चिंतन कर रहे हैं। विध विध वक्ताओं के मुखारविंद से ये भगवद कथा भागीरथी का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है और हमारे अंतःकरण को प्रफुल्लित और प्रसादित कर रहा है। येषां संस्मरणात् पुंसः सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिन महापुरुषों के संस्मरण से ही मनुष्य पावन हो जाता है, उनके दर्शन स्पर्श वचनामृत श्रवण से कृतार्थता हो, इसमें तो क्या आश्चर्य। ऐसे पुण्यश्लोक पुरुषों के स्मरण में हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और ये श्रीमद् भागवत कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान को प्रसन्न करने वाला भी है और भगवान की प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता आ जाती है। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेरणः, त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेरणः। कृष्ण संतोष हेतुकम् श्रीमद् भागवत भगवान को प्रसन्न करने वाला है और भगवान जिन पर प्रसन्न होते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणेर मैत्र्यादिभिर् हरिः तस्य अनमन्त भूतानि यथा निम्नापगः स्वयं। इस नियमानुसार जिस जीव के ऊपर भगवान की प्रसन्नता होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं, मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा इन चार गुणों से, तो हमारे ऊपर भी भगवान की प्रसन्नता हो, पुण्यश्लोक पुरुषों की प्रसन्नता हो, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इस माध्यम से श्रीमद् भागवत का श्रवण मनन हम करते हैं। भागवत का श्रवण करने से अस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। शोक को, मोह को और भय को दूर करने वाली यह दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की है। इसके श्रवण करते करते ही महर्षि वेदव्यास जी की जो ये भाषा है इसमें प्रत्यय के भी अर्थ होते हैं ना, प्रत्यय के भी अर्थ हैं। तो श्रूयमाणायाम ये वर्तमान कृदंत है, सुन लेने के बाद कई समय के बाद भक्ति होती है ऐसा नहीं। श्रूयमाणायाम जैसे जैसे श्रवण करते जाते हैं उस समय भक्ति का अंतकरण में उत्तरण होता है, उसके हृदय से शोक मोह भय की मृत हो जाती है। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद ये हृदय है, निरोध लीला है, भगवद लीला निरोधात्मिका है, तो निरोध भगवद लीलात्मक है जो भगवत धर्म है, और प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, हम संसार को भूल जाएं और मन भगवान में लग जाए, इस तरह का जो भगवद आसक्ति रूप निरोध है वो जीव धर्म है, जीवगत है। तो ये दिव्य भगवत हृदय की कथा, और जो प्रश्न परीक्षित राजा ने किया था और बहुत साधुवाद सुखदेव जी महाराज ने दिया था, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, तो केवल प्रश्न कर सुनने से ही सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए थे। ऐसे
श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की हृदय की निरोध लीला की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को सुना रहे हैं। उसमें जन्म प्रकरण 4 अध्याय का और उसके बाद तामस प्रकरण के प्रमाण प्रमेय साधन और फल, ये 4 अवान्तर प्रकरण तामस प्रकरण के प्रत्येक में 7-7 अध्याय हैं। आज हम जिस अध्यायों की कथा करते हैं वो 22 से लेकर 28 अध्याय तक ये तामस साधन प्रकरण की कथा है। इसमें भगवान के व्यसन का निरूपण है। कायिकेन कृष्णे व्यसनम ईर्यते, इसमें भगवान में व्यसन, व्यसन बहुत हो सकते हैं लेकिन विद्या व्यसनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम, जीवात्मा के कल्याण करने वाले ये व्यसन हैं, भगवान में व्यसन। तो जिसको भगवान में व्यसन होता है वो क्या करते हैं, तो कहते हरि प्राप्ति वैदिक लौकिक कर्म करता व्यसनी। लोक में व्यसनी के अलग अलग अर्थ हैं संदर्भ, लेकिन यहाँ है कि जो वैदिक कर्म और लौकिक कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए करे वो व्यसन है। यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थस्य तदेव ही, भगवान में व्यसन सिद्ध हो जाए तो मनुष्य का जीवन कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थता हो जाती है। तो ये काया से कर्म करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये तामस साधन प्रकरण है तामस भक्तों का। तामस भक्त यानी भगवान के निसाधन भक्त, तामस तनु कछु साधन नाही, ऐसे प्रेम ही साधन है, ऐसे स्नेह दैन्य ऐसे साधन वाले भक्त हैं तामस भक्त, इनका साधन है। और इसमें जो जो साधन बताए गए हैं इसमें एक साधन है वो है भगवद आज्ञा पालन करना, भगवान जो कहते हैं वही करना। श्री सुखदेव जी महाराज कि हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानाह कात्यायनी अर्चन व्रतम, भगवती कात्यायते हैं हविष्य का भोजन करते हैं। हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में यह कात्यायनी व्रत का आचरण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। और कात्यायनी देवी भद्रकाली का पूजन करते हैं, मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। आज भी हम जिसको गोरमा का व्रत करते कहते हैं ना, गोरमा का व्रत कुमारिकाएं करती है कि उसको सुयोग्य पति मिले ने? ऐसा व्रत होता है गांव में, सरोवर के तट पर जाकर कन्याएं व्रत करती हैं और व्रत में बहुत बड़ी अच्छी प्रार्थना भी करती है ने? प्रार्थना में ऐसा बोलते हैं गोरमा गोरमा रे ने, के मांगती है गोरमा से, गौरी माता से, उसका प्रादेशिक शब्द हो जाता है गोरमा। तो गोरमा गोरमा रे कंथ दे जो कही आगरा, वो ऐसा मांगते हैं कि हमको ऐसे पति मिले हम जो कहे वही करें। फिर सासू कैसी मिले वो भी कहते हैं गोरमा गोरमा रे सासू दे जो सवादिया, स्वाद प्रिय खाने में बहुत रसिक हो ऐसी सासू माँ चाहिए, तो वो खाने की शौकीन होगी तो बहू को भी खाना मिलेगा। और गोरमा गोरमा रे ससरा दे जो भूखा अरवा, ऐसा कहते हैं ना, ससरा भी खाने के शौकीन, तो सब घर में खाने के शौकीन होना चाहिए, ऐसे मिले। और देराणी जेड़ा जेठाणी ना जोड़ला, ऐसा ऐसा मांगते हैं कि मन परिवार बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए,
प्रसन्न होना चाहिए, खान पान का रसिक होना चाहिए, तो हमारा भी सुख मिलेगा, हमको भी कल्याण होगा, तो ऐसा मांगते हैं। यहाँ भी मांगते हैं कात्यायनी महाभागे महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी भगवती, आप महायोगिनी हैं, अधीश्वरी हैं, भगवान हमारे पति हों ऐसी प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं। एक मास का मन भगवान में लगाकर भद्रकाली का पूजन करते हैं। भद्रकालीम समान अर्चुहु भूयतः पति ही नंद नंदन पति हो, ऐसे रोज प्रातः काल में उठकर जाती है, कालिंदी में स्नान करती हैं। लेकिन एक बार जाते हैं तो कालिंदी में स्नान करते वक्त उनको दोष हो गया, उन्होंने वस्त्र किनारे पर रख के स्नान किया, और ये व्रत में दोष होता है। व्रत में जब दोष हो तो व्रत परिपूर्ण नहीं होगा, और व्रत परिपूर्ण नहीं होता है तो जो मांगते हैं वो मिलेगा नहीं। तो भगवान ने उनके व्रत के दोष को निवारण करने के लिए उनसे कहा कि आप मेरे पास आकर ये वस्त्र ग्रहण करें और प्रणाम करें। तो ये भगवान को प्रणाम करवाया और ऐसे कहा कि आप जब वस्त्र लें तो मैं जैसे कहूँ वैसे करें। पहले तो गोपियों ने यह कहा कि श्याम सुंदरते दास्यः करवाम तवोदितम देही वासांसि धर्मग्न नोचेद रागने ब्रुवाम है। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं और आप जो कहेंगे वो करेंगे, हमारे वस्त्र दीजिए। और वस्त्र नहीं देंगे, आप धर्मज्ञ हैं, वस्त्र नहीं देंगे तो हम रागने ब्रुवाम है, राजा को बता देंगे, माने फरियाद करेंगे आपके विरुद्ध। तो भगवान के उसके बारे में रागने ब्रुवाम है के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन गोपियों ने ऐसा कहा था कि आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे। करवाम तवोदितम, तो साधन प्रकरण में एक साधन है भगवान जैसे कहते हैं वैसे करना, भगवद आज्ञा पालन करना, ये साधन है ने? जो भगवद आज्ञा पालन करता है उसको फल प्राप्ति होती है। तो भगवान ने ये कहा कि आप मेरे पास से ये वस्त्र लीजिए, अत्रागत्य सुवासांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः, हंसते हंसते ने हंसते हंसते प्रसन्न होकर वस्त्र लीजिए। और वहाँ एक स्मित को विशेषण दिया, शुचिस्मिताः, पवित्र स्मित करते करते। जब किसी चीज़ को विशेषण दिया जाता है तो उससे विपरीत की निवृत्ति करने के लिए ने, तो स्मित शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसका मतलब ये कि स्मित कभी कभी शुचि नहीं भी होता है ना, पॉलिटिकल स्माइल होती है, बिजनेस स्माइल, अलग अलग प्रकार के स्माइल होगी ना। तो यहाँ भगवान कहते हैं हंसते हंसते प्रसन्न होकर वस्त्र लीजिए। और गोपिकाएँ भगवान से वस्त्र ग्रहण करती है और भगवान ने उनको समझाया कि आपने वस्त्र छोड़कर स्नान किया वो ठीक नहीं किया था। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहते तदुदेव हेलनम। ये वरुण भगवान की अवहेलना है और ये अवहेलना आप करेंगे तो आपका व्रत पूरा नहीं होगा, इसलिए इस दोष की निवृत्ति के लिए आप प्रणाम पूर्वक वस्त्र ग्रहण करें। और ये बताते हुए भगवान ने इनके व्रत के दोष का निवारण किया। गोपियों के मन में जो इच्छा थी ना, भावना थी, कृष्ण कामना थी, संसार का काम काम होता है, जो वासनात्मक मन में संस्कार का निर्माण करता है, लेकिन भगवान के विषय में जब काम होता है, इच्छा होती है, तो वो काम काम नहीं रहता है ना, वो तो जीव का कल्याण करने वाला बन जाता है। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनात् मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। आपके मन में जो संकल्प है वो मैं जानता हूँ,
और मेरी अनुमोदना से वह सत्य हो सकता है। और ये जो मैयावेशित धियाम काम काम न मैयावेशित धियाम काम कामाय कल्पते वर्जिता क्वाथिता धाना प्रायो बीजाय न सत्य। ये कहते हैं भगवान कि चने से, जब चने को हम भूमि में बो देते हैं तो उससे अंकुर होता है, लेकिन उन्हीं चनों को बाफ देते हैं या भूंज देते हैं तो फिर बाद में उन चनों से कोई अंकुर पैदा नहीं होगा। वो आकार में ऊपर से तो एक जैसे ही लगेंगे ने, लेकिन उसके गुण बदल जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि महापुरुष स्थित प्रज्ञ भक्त होते हैं, उनकी और साधारण पामर जीवों की बाह्य चेष्टाओं में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, लेकिन एक के कर्म हैं वो कर्ता भाव से लिप्त हैं, एक के कर्म कर्म होते हुए भी कर्ता भाव से मुक्त हैं। तो संसार के लिए जब हम कामना करते हैं तो बंधन करने वाली होती है, भगवान में मन लगता है, बुद्धि लगती है तो वह मोक्ष देने वाली होती है। किसी भी उपाय से भगवान में मन लग जाए तो जीवात्मा का संसार के बंधन से मुक्त होने का फल मिलता है, संसार से वो मुक्त हो जाएगा। तो ये भगवान बताते हैं, लेकिन कब ये सिद्ध होगा तो फल प्रकरण में उनको भी फल प्राप्ति होगी। अब दूसरी कथा कहते हैं, इसलिए बीच में अथ शब्द आता है न, अथ। अब विषय बदल रहे हैं तो कहते हैं कि अथ गोपैः परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनाद गतो दूरम चारयन गाह सहाग्रज। भगवान गोप बालकों के साथ वृंदावन से दूर जाते हैं, वृंदावन से दूर गए। अब वृंदावन से दूर जाने के प्रसंग में महाप्रभु जी आचार्य चरण लिखते हैं, वृंदा नाम ही स्त्री प्रधान है, और स्त्री प्रधान होंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, स्त्री प्राधान्यात ज्ञानम न भविष्यति। तो दूर ले गए वृंदावन से, बालकों को अब ज्ञान देना है तो वृंदावन से दूर ले गए। निदाघार का तपे तिग्म छाया भी स्वाभिरात्मन आतपत्रायितान वीक्ष द्रुमान आह व्रजौ कसः। भगवान ने गोप बालकों को, सखाओं को वृक्षों का दर्शन कराया। अब वृक्षों का दर्शन कराते हैं कि ये ग्रीष्म काल में लोगों को सूर्य के प्रचंड ताप से शीतलता देने के लिए आतपत्र छत्र बन जाते हैं, ऐसे वृक्ष हैं ये। वृक्ष छत्र बनकर लोगों को ताप से मुक्त करते हैं, शीतलता का दान करते हैं, संतप्त को शीतलता देने वाले ये आतपत्रायित हैं। अभी जब ये कथा चल रही है तब ग्रीष्म ऋतु नहीं है, ये तो हेमंत प्रथम मासी की ऋतु चल रही है, शीत ऋतु है, लेकिन ग्रीष्म काल में ये आतपत्र बनते हैं, याद करके भगवान वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं। और 11 गोप सखाओं को संबोधन करते हैं, 11 को, तो वहाँ 11 गोप बालक हैं, वो सब इंद्रियां हैं ने? जैसे सभी इंद्रियां आत्मा को सुख देने के लिए उनके उपकरण बनते हैं सुख देने के लिए, तो ऐसे 11 गोप बालक हैं कृष्ण भगवान के, उनके पास रहकर परिकर बन के उनके उनको सुख देते हैं। महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में ये भी लिखा है कि कौन क्या कौन गोप है, वो किस इंद्रिय के अधिष्ठाता है ने? इसमें वरुथप मनसः, वरुथप नाम का जो गोप है वो मन का अधिष्ठाता है, वो मन है। और हे कृष्ण स्तोक, कृष्ण और स्तोक दो है, एक कृष्ण और दूसरे स्तोक। तो भगवान के सखा मंडल में भगवान तो अब स्वयं कृष्ण है, लेकिन उनके मंडल में भी कृष्ण है दूसरे। तो यहाँ भी स्पष्टता सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी ने की है कि कई गोपियों ने भगवान का नाम जब कृष्ण पढ़ा ने तो अपने बालक का नाम भी कृष्ण रख दिया था, क्योंकि ये भगवान सेलिब्रिटी है।
तो भगवान के नाम की तरह कृष्ण नाम उनका भी है, तो हे कृष्ण स्तोक। और यहाँ दोनों को एक साथ शब्द दिए हैं, और तो अलग अलग नाम है लेकिन ये दो नाम एक है, तो एक रस है रसना। तो एक इंद्रिय से जीव से दो काम होते हैं, वाणी को बोलना और रस लेना, ये दोनों जीवा से होता है, जीव से होते हैं। इसलिए और शब्द गोपों के नाम अलग अलग है, पृथक पृथक है, लेकिन इनका नाम जब बोले तो दोनों का साथ में बोले, तो कृष्णो वाचः अने स्तोकः रसनायाः। कृष्ण है वो वाणी के अधिष्ठाता है, और स्तोक है वो रसना के अधिष्ठाता है। और इसके नाम में भी एक देखिए, ये स्तोक माने थोड़ा थोड़ा माने खाना थोड़ा चाहिए, कम खाएं गम खाएं ना, तो स्तोक ये नाम भी दिए हैं। तो ऐसे 11 गोप बालक है, अंशु है, श्रीदामा है, सुबल है, अर्जुन है, विशाल हैं, ऋषभ हैं, तेजस्वी हैं, देवप्रस्थ हैं और वरुथप हैं। इनको कहते हैं कि आप इन वृक्षों को देखिए। पूज्यपाद दादाजी को ये श्लोक बहुत प्रिय थे, तो कई बार वो अपने वचनामृतों में महाविद्यालय में आते थे, तब भी ये श्लोक सुनाते थे। अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्य वयेषां वै विमुखायान्ति नार्थिनः। ये सब वृक्ष महाभाग्यशाली हैं, महाभाग ने? महाभाग इनको कहा है भगवान ने, हम तो जिस किसी को भी कह दें, लेकिन भगवान सबके लिए सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। गोपियों को कहेंगे स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणी वा ने? तो वहाँ महाभागा कहते गोपियों, यहाँ वृक्षों को महाभागा कहते। और महाभाग क्यों है, तो परार्थ एकांत जीवनान, इन वृक्षों का जीवन परार्थ है, केवल परार्थ के लिए है। स्वयं ताप सहन करके वो दूसरों का ताप मिटाते हैं। वात वर्षा आतप हिमान सहनता ने, वात वर्षा ये वर्षा ऋतु में होते हैं, चौमासे के ऋतु है, और आतप ये ग्रीष्म ऋतु है, और हिम जैसे ये शिशिर ऋतु है, शीतल ऋतु है, ठंड की मौसम है। तो तीनों ऋतु में ने? ये वृक्ष तपस्वी की तरह तपश्चर्या करते हैं ने? और स्वयं सहन करके दूसरों के दुख दूर करते हैं। वृक्षों की महिमा तो बड़ी गाते हैं, सुभाषितकार भी गाते हैं। इनका जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि सभी प्राणियों को ही आश्रय देते हैं, अनेक रूप से ये उपकारक हैं, उपकार करने वाले हैं। सुजनस्येव, किसी सज्जन के पास संपत्ति हो और उसके पास कोई आवे ने, तो वो कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं, कुछ ने कुछ देते हैं। सुजनस्य इव, सज्जन व्यक्ति के पास से कोई अर्थी याचक विमुख नहीं जाता है ने? उसी तरह वृक्ष के पास कोई आएंगे तो विमुख नहीं जाएंगे। भावनगर नरेश के जीवन का प्रसंग है, तो बगीचे में बैठे हैं ने? आम का वृक्ष है, बाहर कोई व्यक्ति जाता था तो उसने वो फल लेने के लिए पत्थर मारा वृक्ष में, आम गिरा, लेकिन पत्थर जो महाराज बैठे थे उनके मस्तक पर पड़ा। सेवकों ने देखा, उनको पकड़ लिया, राजा के पास ले आए, किसको शिक्षा देनी चाहिए, तो कहा कि नहीं इनको ले आओ, कौन है क्यों मारा उसने, तो बोला मैं भूख लगी थी तो मैं फल देखे तो इच्छा होगी तो मारा। तो और तो जो थे सचिव वगैरह कहे कि इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए, तो महाराज ने कहा कि नहीं इनको शिक्षा मत दी। उनसे पूछा कि आपको वृक्ष ने क्या दिया, तो मैंने वृक्ष को पत्थर मारा तो उन्होंने फल दिया, तो कि ये वृक्ष यदि जड़ होते हुए भी इतना कर सकता है तो मैं इनको कैसे शिक्षा दे सकता हूँ।
वृक्ष को कोई मारे तब भी वो उनको फल देते हैं। यहाँ टीका में ये भी लिखा है कि जो फल है ना वो पुत्र हैं, वृक्ष के पुत्र हैं। तो और लोग तो पुत्र के लिए दूसरों को मारते हैं, ये तो जगत के लिए अपने पुत्र का समर्पण कर देते हैं। तो ऐसे परोपकारी वृक्ष हैं ये, अनेक अपना सर्वस्व मान्य, पत्र पुष्प फल छाया है ना, पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारुभि गंध निर्यास भस्मास्ति तोक में कामान वितन्वते। ये जगत की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और जीवन का यही साफल्य है कि हम प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से, वाणी से दूसरे का सदा मंगल करे, श्रेय करे। ये चार बताए हैं ना, चार से मंगल करना। तो प्राण ही ये धर्म पुरुषार्थ, अर्थ ही ये अर्थ पुरुषार्थ, दिया ये बुद्धि में काम रहता है ना, बुद्धि सविषयक होती है काम बुद्धि से, और वाचा वाणी से मोक्ष होता है। तो वाचा ने चारों पुरुषार्थ से सबका जगत का कल्याण करे। तो इस तरह से विहार करते करते वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ यमुना के तट पर जाते हैं, गायों को जल पिलाते हैं और बाद में खुद जल पीते हैं। ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं, तत्र गा पाययित्वापः सुमृष्टः शीतलः शिवः ततो नृप स्वयं गोपा कामं स्वादुपपुर जलम। पहले गायों को जल पिलाया और फिर गोप बालकों ने, गोपों ने यमुना का स्वादु जल पान किया। तो कालिदास कवि का श्लोक याद आता है रघुवंश में द्वितीय सर्ग में, जब दिलीप राजा गाय की सेवा करते हैं, नंदिनी गाय की सेवा करते हैं, तो स्थित स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निशे दुषीमा सन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमा ददानाम छाये वताम भूपति रन्व गच्छत। तो उनको गाय को पहले पानी पिलाते हैं फिर स्वयं पानी पीते हैं। अब इस उपवन में कई गोप गायों को चराते थे, तो चराते तो चराते मध्याह्न का समय हुआ और गोप बालक आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबरहण एषा वै बाधते क्षुण्ण तच्छान्तिं कर्तुम् अर्हत। हे बलराम जी, राम राम दो बार कहते हैं कि आप, हमें भूख लगी है तो क्षुधा की शांति कीजिए। कृष्ण दुष्ट निबरहण, उन भगवान का संबोधन करते हुए ये भी कहते हैं कि आप तो दुष्टों को दंड देने के लिए आते हैं। भगवान के अवतार का प्रयोजन दुष्ट निबरहण भी है, दुष्टों को दमन और शिष्टों की सुरक्षा, सत्पुरुषों की रक्षा करना, दुर्जनों का निग्रह करना। निग्रह लीला अनुग्रह लीला दोनों भगवान करते हैं, निग्रह अनुग्रह समर्थ प्रभु। प्रभु की प्रभुता वो है जो दुष्टों का निग्रह भी करे और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करे। भगवान से प्रार्थना की, बलराम जी से प्रार्थना की, तो ये कहा भगवान ने कि आप जाइए, यहाँ यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण, उनसे अन्न मांगिए। वो आंगिरस नाम का सत्र कर रहे हैं, ये सुबोधिनी जी में निरूपण किया कि 24 दिनों का यज्ञ है। तो ये यज्ञ कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ। और गोप बालक गए, वहाँ जाकर निवेदन किया कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः आप तान जानीत भद्रम वो गोपान्नो राम चोदितान। बलराम जी की प्रेरणा से हम आपके पास आए हैं,
हम भगवान के आदेश का पालन करने वाले हैं। ये साधन प्रकरण है, आज्ञापालकत्व, आज्ञापालन का आदेशकारिण है, कृष्ण के आदेश से आदेश का पालन करने वाले हैं, बलराम जी की आज्ञा से आए हैं, रामचोदितान बलराम जी की प्रेरणा से हम आपके पास आए हैं। तो भूमि देवों ने कुछ कहा भी नहीं, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, सुनवंतो भी न सुश्रु हो, वो सुनते हुए भी सुना नहीं, इतिते भगवद याचाम सुनवंतो भी न सुश्रु हो, सुनने के बाद भी सुना नहीं। तो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, लेकिन जब हाँ नहीं कही जाती है और कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उसका अर्थ नहीं है। मौनम काल विलंबश्च, जो नकार ना कहने की छह प्रकार की रीत हैं, उसमें एक मौन है और एक विलंब, काल विलंब। तो नते यदोम इति प्रोचुः न नेति च परंतप, न हाँ कहा न ना कहा। तो जब हाँ भी नहीं कही जाए, ना भी नहीं कही जाए, तो ना समझना चाहिए कि नहीं देंगे। तो ये गोप आए भगवान के पास कि उन्होंने नहीं दिया, तो भगवान ने कहा देखो भाई, लौकिक ये गति है, लौकिक गति ये है कि दुनिया में हम कहीं भी कुछ मांगेंगे तो सबसे मिल जाएगा, ऐसी आशा न रखें, सबसे नहीं मिलेगा ऐसा भी न रखें, सबसे मिलेगा ये भी न सोचे, और कभी उत्तर मिलेगा ऐसा भी न सोचे, कभी कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप विप्र पत्नियों के पास जाए तो भगवान ने विप्र पत्नियों के पास भेजे, और लौकिक गति इनके पुरुष से नहीं मिलेगा, अन्न वगैरह मिलेगा तो गृहिणी से मिलेगा, तो ये भी एक लौकिक गति है। तो गए गोप विप्र पत्नियों के पास, उनको जाकर प्रणाम किया। नत्वा द्विज सती ही गोपाहा प्रश्रिता इदम अब्रुवन, विप्र पत्नियाँ हैं इसलिए नमस्कार योग्य हैं, और सती हैं इसलिए विनय उनके सामने करना चाहिए, इसलिए नत्वा और प्रश्रिता दो शब्द का प्रयोग किया है। विनय पूर्वक बोले, नमस्कार करके बोले कि नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो विदूरे चरता कृष्णे न प्रेषिता वयम। वहाँ गए थे तो राम चोदितान ने, बलराम जी ने भेजे हैं, बलराम जी ने भेजे हैं, और यहाँ भगवान ने कहा, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मांगना ने? भगवान तो सर्वसमर्थ है ने, वो किसी से याचना करने का नहीं कहते। भगवान ने ऐसा कहा था कि इतना कहना कि कृष्ण यहाँ से दूर आए हैं, ऐसा कहा। लेकिन बालकों ने यह कहा कि बुभुक्षितस्य तस्यान्नम सानुगस्य प्रदीयताम, बलराम और बाल कृष्ण आए हैं, आपको यदि श्रद्धा हो तो उनको, अकेले को नहीं, सानुगस्य सपरिकार, एकाकी तो भोजन नहीं किया जाएगा सबके लिए, तो चतुर्विध अन्न लेकर विप्र पत्नियाँ जाती हैं और चतुर्विध अन्न का भोजन भगवान को समर्पित करते कृतकृत्य होती हैं, और फिर बाद में ब्राह्मणों को भी पश्चाताप होता है। पश्चाताप ये होता है कि हम वेद पढ़े हैं, संस्कार वाले हैं, लेकिन भगवान को जानते हुए भी मूड होकर नहीं जान पाए, लेकिन हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि अहो वयम धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रिया भक्त्या यासा मतिर जाता अस्माकम निश्चला हरो। घर में कोई एकाद भी भगवत भक्त हो तो उस वंश का, उस कुल का कल्याण हो जाता है, उसके आचरण से, उसके ऊपर भगवान की कृपा से औरों को भी मन भगवान में लग जाता है। तो हमारी स्त्रियों के कारण हमारा मन भी भगवान में लगा है, और फिर भगवान से नमस्कार करते हैं, भगवान से क्षमा भी मांगते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठमेदसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामह कर्म वर्त्मसु। भगवान की माया से
मोहित बुद्धि वाले हम कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। ये विप्र पत्नियों के प्रसाद से भगवान में निश्चल मति हुई और भगवान में श्रद्धा प्रकट हुई है। फिर भी दर्शन की इच्छा है कि अब कृष्ण दर्शन करें, लेकिन कंसाद भीता नचा चलन, कंस के ये ब्राह्मण थे तो वहाँ जाने की इच्छा होते हुए भी जा नहीं सके डर के कारण। तो ये दिव्य चरित्र भगवान का सुनाया। इसमें भी एक परोपकार का साधन है, परोपकार करना ये भी साधन है। तो वृक्षों के माध्यम से बोध कराया गोप बालकों को, और भगवान को जो चाहिए वो भगवान की इच्छा के अनुसार देना चाहिए। तो ये विप्र पत्नियों ने चतुर्विध अन्न देकर ने भगवान को प्रसन्न किया, और ये भी एक साधन है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार सभी गोप इंद्र यज्ञ के लिए सब तैयारियां कर रहे थे। इंद्र याग कृतोद्यमान, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं। तो भगवान ने पिताजी से पूछा कि ये किसके लिए इतना उद्यम, ये तैयारियां की जा रही है, ये यज्ञ किसके लिए है, किसका है, इसका उद्देश्य क्या है। किम फलम कस्य बोद्देश के नवा साध्यते मकह, ने कोई भी काम हम जब करते हैं तो क्या करें, कैसे करें और क्यों करें, ने ये होता है। तो नंद बाबा ने बताया कि इंद्रयाग करते हैं। भगवान ने कहा कि इंद्र से हमको सुख मिलता है ऐसा नहीं है। हमारे सुख के आधार, हमारी जीवन के आधार ये तो गोवर्धन है, गाय हैं, ब्राह्मण हैं, अग्नि हैं, ये सब हैं। ये हमारे प्रत्यक्ष आश्रयदाता हैं, इनसे हमें सुख मिलता है। इंद्र को हमने देखा नहीं है। अब इंद्र का याग बंद करवा रहे हैं भगवान, तो इंद्र का यज्ञ बंद करवाना है। क्यों बंद करवाना है? कि इंद्र का यज्ञ बंद नहीं करना है, इंद्र का मद दूर करना है। नहीं, इंद्र का मद दूर करना था। तो भगवान ने यहाँ ब्रजवासियों को कर्म का सिद्धांत सुनाया, जैसे भगवद गीता में सुनाया, ऐसे यहाँ भी कुछ श्लोकों में कर्म का सिद्धांत सुनाया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मनुष्य अपने कर्म से सुखी होता है, दुखी होता है, जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, और सभी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। हमारा स्वभाव जो है, हम तो गोरक्षा गोपालक का पालन करने वाले हैं, हम गोपालक हैं, तो हमारा गिरिराज है, इनका आश्रय हमें चाहिए, गायों का है, ब्राह्मणों का है, तो इनको प्रिय हो ऐसा यज्ञ कहें करें। तो गोवर्धन याग किया। तो इसके लिए क्या क्या करना है? तो भगवान ने कहा कि य इंद्र याग संभारास्तेरयम साध्यतम मका, जिन सामग्री से साधनों से इंद्र याग होता है उससे ही ये गोवर्धन याग हो जाएगा। सबको अन्न अनेक प्रकार से पाक तैयार करें, अन्न तैयार करें, गायों को घास दें, अग्नि में आहुति कर दें, गिरिराज जी को भोग लगाए, तो यज्ञ सिद्ध हो जाएगा। और सब ने ये गोवर्धन याग किया, और भगवान को विविध प्रकार की सामग्री धराई और भगवान को प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद उनकी परिक्रमा करते हैं। तो भगवान ने वहाँ शैलोस्मृति वदन भूरि बलि मादत बृहद वपु, भगवान ने साक्षात उनकी सामग्री का स्वीकार किया। भगवान पूज्य पूजक दोनों एक हैं, पूजा करने वाले भी भगवान, जिनकी पूजा हो रही है वो भी भगवान। तस्मै नमो व्रज जनै सह चक्रेत मनात्मने, अने भगवान ने अपने आप को प्रणाम किया। अष्टावक्र गीता में आता है अहो अहम नमो मह्यम, तो अपने आप को नमस्कार करते हैं। तो पूज्य पूजक दोनों एक हैं। तो गिरिराज भगवान ने इनका अंगीकार किया, और सब ने परिक्रमा करते करते गिरिराज धरण सृज तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सृज तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण विठल तुम्हारी शरण,
गिरिराज धरण श्रीजि तुम्हारी शरण। भक्ता अभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्यणे शो विसारी कुमारतानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। सबने प्रणाम किया, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा की, सबके मन प्रसन्न हो गए, सब खुशी खुश हुए। लेकिन इंद्र नाराज हुए और इंद्र को ये लगा कि ये कृष्ण का आश्रय लेकर ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया है। तो कृष्ण ने मेघों को आदेश दिया और मेघ आए हैं वृष्टि करने के लिए। अपरतु, अब ऋतु नहीं है, बारिश की मौसम नहीं है, लेकिन भारी वर्षा होने लगी। अत्यासारा गोपा गोप्यश्च शीतार्था गोविंदम शरणम ययुः। व्यसन दशा वाला जीव है वो जब भी संकट आएगा तो भगवान के शरण में रहता है। तो गोविंदम शरणम ययुः, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण में हैं। गोविंदम शरणम ययुः, भगवान की शरण में आए और भगवान को नमस्कार किया और कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमरसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। आप हमारी रक्षा कीजिए, जब जो काम जल्दी करना हो तब विप्सा दो बार कहा जाता है, तो कृष्ण कृष्ण विलंब मत कीजिए। गोकुल के आप ही नाथ हो और आप तो गायों के पालक हो, इसलिए आप रक्षण कर सकते हो, आप प्रभु हो ने? तो सब शब्द दिए त्वन्नाथम ने, आपके अलावा हमारा कोई शरण नहीं है। और गोकुलम, गाय मुख्य है, गायों की तो आप अवश्य रक्षा करते हैं और हम सब गायों के लिए हैं, और आप प्रभु प्रभु हैं, समर्थ हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं त्रातु मरहसि, आप हमारा रक्षण कर सकते हैं। तो कि इंद्र नहीं करेंगे, तो के इंद्र तो नहीं करेंगे, हमने इंद्र यज्ञ बंद कर दिया है तो अब कैसे, इंद्र का तो कुपित हो गए हैं हमारा कुपितात, इंद्र तो कुपित हैं ने, और आप भक्तवत्सल हैं ने, सतु निर्दय। आचार्य चरण सुबोधि जी कहते हैं आप वात्सल्य वाले हैं, भक्तवत्सल हैं, वो तो निर्दय हो गया है अभी, तो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। तो भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, देखा कि मैं सब ब्रजवासियों की अपने योग से रक्षा करूंगा। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे न स्वयं में व्रत आहिता। ऐसा कहते हुए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को, गोवर्धन अचल को ने 7 दिन तक धारण किया। दधार लीलया कृष्ण छत्रा कमिव बालक, एक ने बिलाड़ी के टोप छत्राक ने इसी तरह धारण किया, बहुत हल्का होता है। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा इसको धारण किया है और ऐसे धारण किया है कि एक भी कांकरी भी उसे नीचे न गिरे। ये पुष्टि लीला है, भगवान की कृपा है ना। मर्यादा में भक्त भगवान के ऊपर छत्र लेकर खड़ा रहता है ना भगवान के पास, पुष्टि लीला में भगवान भक्त के लिए छत्र लेकर खड़े रहते हैं। और 7 दिनों तक 7 वर्ष के भगवान ने ये धारण किया और ब्रजवासियों को कहा कि आपको जहाँ भी रहना है सुखपूर्वक रहिए, आपको कोई चिंता नहीं है। क्षुत्रुड व्यथाम सुखापेक्षा हित्वा तेर व्रजवासी भी वीक्षमाणो ददो वद्रिम सप्ताहम नाचलत पदात्। 7 दिन तक एक भी कदम भगवान हिले नहीं और वृष्टि बंद हो गई, इंद्र का मद उतर गया और भगवान ने सब फिर गिरिराज जी को अपने स्थान पर स्थापित किया। और जब ऐसा हुआ तो देवताओं के दुंदु भी बजने लगे, देव गंधर्व तो स्तुति करने लगे, पुष्प की वृष्टि होने लगी। जगुर गंधर्व पतयस तुम्बुरु प्रमुखा नृप, तुम्बुरु आदि गंधर्व गान करते हैं, ऐसा दिव्य उत्सव भी हो गया। सबको भगवान के आश्रय से, भगवान के शरणागति से कल्याण हुआ। अब ये जब गिरिराज जी को धारण किया तो ब्रजवासियों के मन में एक शंका हो गई
कि ये नंद बाबा का ही लड़का है कि और कोई है। तो नंद बाबा से पूछा तो नंद बाबा ने फिर गर्ग गीत सुना दिया। भगवान की सारी लीलाओं का आस्वाद तो व्रजवासियों को मिलता था, ये नामकरण संस्कार की लीला एकांत में हुई थी, उस लीला का रस आनंद सुख नहीं मिला था। तो आज गोवर्धन लीला के प्रसंग में ये भी हो गया कि भाई मुझे पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने जो कहा था वो मैं ही आपको कहता हूँ। भगवान का परिचय सद्गुरु के माध्यम से मिलता है। तो ये गर्ग गीत सुनाते हैं। तस्मानंद कुमारोयम् नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। गर्गाचार्य जी ने मुझे ये कहा था कि इसके कर्म में आप आश्चर्य मत करना, तत्कर्मसु न विस्मयः, ये तो नारायण सम है, नारायणेन समः अथवा नारायणः समः यस्य सः, दो प्रकार का समास होगा। नारायणेन समः ऐसा कहेंगे तो नारायण बड़े और कृष्ण छोटे दिखाई देंगे तत्पुरुष में, तो बहुव्रीहि करेंगे, नारायण समः यस्य सः नारायण समः, तो कृष्ण से भी नारायण बड़े, ऐसा शब्दों की भी लीला है। तो सब ने नंद बाबा की पूजा की कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, इस तरह से एक अध्याय में कथा सुनाई है। जब गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण किया तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से फिर इंद्र और सुरभि गाय आती है। इंद्र आते हैं और एकांत में भगवान से मिलते हैं। विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः, इंद्र ने भगवान का अनादर किया है इसलिए वो व्रीडित है, लज्जित है। एकांत में जाकर पस्पर्श पादयोरेनम, भगवान के चरण स्पर्श किए, जैसे दुर्वासा जी अम्बरीश राजा के चरण स्पर्श करने के लिए जा रहे थे, अम्बरीश ने रोके ने? तो जिसका अनादर किया हो उसके चरण स्पर्श करने पड़े वो बड़ा कार्य है, लेकिन बड़ा कार्य करने के बिना छुटकारा नहीं था। तो इंद्र ने पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेन अर्कवर्चसा, सूर्य जैसा तेजस्वी मुकुट धारण किया है इंद्र महाराज ने, प्रणाम किया भगवान के चरण कमल में, क्योंकि अब तो दृष्ट श्रुतानुभावस्य, ये गोवर्धन लीला के प्रसंग में भगवान का प्रभाव ने देखा है इंद्र ने, और पुतना सुपयः पान इत्यादि लीला रूप जो अनुभव भगवान के है वो श्रुत है। तो दृष्ट श्रुतानुभावस्य कृष्णस्य अमित तेजसः, ने इंद्र का तेज तो है लेकिन मित तेज है, ये तो अमित तेज है। ऐसे नष्ट त्रिलोके शमदा, हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते वक्त जो मद था वो अभी निकल गया। मैं ही त्रैलोक्य का ईश्वर हूँ, इस प्रकार का इंद्र का मद निकल गया है, नष्ट हो गया है, और हाथ जोड़कर इंद्र ने बहुत अद्भुत स्तुति भगवान की है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम द्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। भगवान आपका धाम है और विशुद्ध सत्व गुणमय है, और विशुद्ध सत्व में भगवान निवास करते हैं। जीवात्मा में भी सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध सत्व मन, विशुद्ध मन वो है वसुदेव, और वसुदेव के यहाँ भगवान आते हैं तो वासुदेव, तो विशुद्ध सत्व में भगवान का निवास है जीवात्मा के रूप में भी, और भगवान का जो धाम है वो भी विशुद्ध सत्व रूप धाम है। वो शांत तेज है, वो तेज होते हुए भी शांत है, तपोमय है, वो वहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं है, विशुद्ध सत्व है, ऐसे भगवान का धाम है, और वहाँ मायामय त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों का प्रवाह नहीं है। ऐसे भगवान को प्रणाम किया, और जब भगवान का धाम ही विशुद्ध है
तो भगवान को कभी क्रोध भी नहीं होता है, लोभ भी नहीं होता है। कुतो नु तद्धे तव ईशमन्यु लोभादयो, ये अबुध लिंग भावा है। अज्ञानी के लक्षण हैं क्रोध और लोभ। तो भगवान को इंद्र के ऊपर क्रोध नहीं आया है, ये तो अबुध लिंग भगवान का तो धाम ही विशुद्ध सत्व है। क्रोध न आते हुए भी भगवान दंड देते हैं, खलों को दंड देते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे आपने मेरे मद को दूर करने के लिए ये दंड दिया, क्योंकि आप तो पिता हैं न, गुरु हैं न। कोई पुत्र भूल करे तो पिता उसको समझाते हैं, कहते हैं, कभी कठोर शब्द भी कहने पड़े तो करते हैं। तो आप तो पिता हैं और गुरु हैं, जगत के अधीश्वर हैं, काल स्वरूप है, उपात दंड ये भी आपका स्वरूप है। तो इस श्लोक में भगवान के सभी अवतारों का भी वर्णन है, ऐसा महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में कहा है। पिता से पुरुषावतार, गुरु से मत्स्यावतार, जगताम अधीश से कूर्म अवतार, और दुरत्य काल से नृसिंह अवतार, और उपात दंड वामन अवतार। ऐसे हिताय चेच्छा तनु भी समय से अलग अलग अवतार धारण करके आप भूतल पर विराजते हैं, और अपने को जगदीश्वर मानने वाले को आप दंड देते हैं। मेरे जैसे बहुत से अज्ञानी हैं, ये मद विधाग्ना जगदीश मानिना, त्वाम्बिक्ष काले भयमाशु तन्मदम हित्वार्य मार्गम प्रभजन्त्यपस्मया इहा खला नाम अपि तेनुशासनम। भगवान ऐसी दिव्य लीला करते हैं कि मदोन्मत का मद निवृत्त हो जाता है, वो आर्य मार्ग पर, सन्मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर चलने लगता है। मैं भी ऐश्वर्य के मद से मदोन्मत था, आप्लुत था न। आप्लुत का अर्थ है पूरा पूरा डूबा हुआ, जैसे डूबा का लगाते हैं ओझ में, स्विमिंग पूल में न, ऐसे मैं मद में ग्रस्त था। कृताम सहा, मद के कारण मैंने आपका अपराध किया, आपके प्रभाव को मैं नहीं जानता था। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप मुझे क्षमा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आपको तो दंडित शिक्षा मिल गई, अभी क्षमा का क्या प्रश्न है, या तो क्षमा हो या शिक्षा, तो आपको शिक्षा तो दिए। तो इंद्र ने कहा कि अब दोबारा मैं ऐसा ना करूँ, इसलिए क्षमा कीजिए। मैं एवं पुनर्भुन मतिरीश में सती। तो इस तरह से भगवान की महिमा का गान किया। नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने, महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा करते हैं कि नमस्तुभ्यम भगवते में पंचम स्कंद से लेकर दशम स्कंद तक की कथा है, नमस्तुभ्यम भगवते। और वासुदेवाय में ग्यारहवें स्कंद की कथा है, और कृष्णाय में बारहवें स्कंद की कथा है, और पुरुषाय महात्मने ये सर्ग विसर्ग हैं, और ये दशविध लीलाओं का वर्णन है। और सात्वताम पतये नमः, ये स्वतंत्र भक्ति पुरुषार्थ भक्ति लीला है। इस तरह से भगवान का निरूपण किया, स्तुति की। भगवान ने कहा कि मुझे आपका यज्ञ बंद नहीं करवाना था, आपको शिक्षा देनी थी। अब स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार में रहिए, लेकिन अभिमान मत कीजिए। इस तरह से भगवान ने कहा। और यहाँ सुरभि गाय ने दुग्ध से भगवान का अभिषेक भी किया और कहा कि इंद्रम नस्त्वाभिषेक्ष्यामः, हम आपको इंद्र के रूप में, हमारे इंद्र के रूप में ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तो इंद्र पदाभिषेक भगवान का हो गया और फिर दिव्य उत्सव महोत्सव बना। वो कहते हैं कि चारों ओर समृद्धि, आदि भौतिक, आदि 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 दैविक, आध्यात्मिक, त्रिविध प्रकार का सुख सबको हुआ है। तो इस तरह चारों ओर नाना रसौगा सरिता, सरिताओं में अनेक प्रकार के रस बहने लगे, वृक्ष में फूल मद जरने लगा, अकृष्ट पच्य औषधियाँ प्रकट होने लगे, पर्वत से मणि निकलने लगे। क्यों? तो कि कृष्ण भगवान राजा हुए हैं, ऐसे दिव्य भगवान का अभिषेक हुआ। इसके कारण कृष्णे अभिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरु नंदना निर्वैराण्य भवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः, जो क्रूर थे वो भी शांत हो गए, ऐसा आध्यात्मिक प्रभाव भी भगवान का रहा है। और यहाँ कहते एतानि, एतानि जब कहते हैं तो सुखदेव जी महाराज उस अवस्था में, उस देश काल में संक्रांत हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। और एतानि कुरुनंदन, ये सब ने प्रत्यक्ष दर्शन
कराते हुए बोले। इस तरह भगवान का गोविंद रूप में, तब गवाम इंद्र है इति गोविंद है, सब गायों के इंद्र, आज तक इंद्र इंद्र थे, अब इंद्र के भी इंद्र भगवान है, इंद्र के भी इंद्र भगवान है। इंद्र के अंतकरण की शुद्धि भी हो गई, ये दिव्य लीला भी हो गई, ब्रजवासियों को भगवद आश्रय भी मिला है। अब एक कथा कहते हैं कि एकादशी का व्रत था, द्वादशी के दिन नंद बाबा कालिंदी में स्नान करते हैं, वरुण के सेवक उनको उठाकर ले जाते हैं, भगवान जाते हैं वरुण लोक में, वरुण भगवान की दिव्य पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं और भगवान के दर्शन के दर्शन से अपने को कृतकृत्य मानते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मेरे मूढ़ क्या करना है, ये नहीं जानने वाले सेवक ने भूल से आपके पिता को यहाँ ले आया है, इसलिए आप क्षमा, तद भगवान चतुमहत, आप हमें क्षमा दे दीजिए। यहाँ एक पूज्य दादाजी ने एक श्लोक कांस में दिया है, कांस में दिया है, इसका मतलब है ये प्रक्षिप्त है, और महाप्रभु जी को भी इसमें इस श्लोक को जब अन्य है ना तो विगीत कहते हैं, विगीतम एतत् नहीं, विगीतम एतत् तो ये मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान को आज्ञा दिया है, गोविंद नियताम एष पिता ते पितृवत्सल, तो ये तो बोले वरुण तो अपराध माना जाएगा, इसलिए ये वो नहीं है, इसलिए विगीतम एतत् पद्यम ऐसा वहाँ लिखा है। नंद बाबा ने ये सब बात सुनाई ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों के मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि भगवान का ऐसे ना ऐश्वर्य, तो भगवान हमको भी अपना लोक दिखावें, तो भगवान ने सब ब्रजवासियों को भी अपने लोक का दर्शन कराया। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणा पाये समाहिता, ऐसे सच्चिदानंदमक अक्षर ब्रह्म ज्योतिर्मय सनातन लोक का दर्शन करवाया, भगवान ने अपने धाम का दर्शन करवाया है। जो मुनि लोग हैं वो समाधि में प्रकृति के तीन गुणों से जब उनका अंतःकरण पर होता है उस अवस्था में दर्शन करते हैं, ऐसे अपने अलौकिक लोक का दर्शन कराया है। फिर ब्रह्मरथ में स्नान कराया, ददृशुर ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरो दिगातपुरा, ब्रह्मरथ में ये दर्शन भगवान ने सबको कराया, और फिर बाद में ब्रज में आगे, फिर उस श्लोक से इस श्लोक में आगे भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मानंद से भी भजनानंद की तुलना स्वयं कर सकें, है ना, ब्रजवासी गोप स्वयं कर सके, इसलिए दोनों आनंद का अनुभव दे भगवान ने करवाया। ऐसी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, हम भी भगवान के चरण कमल में प्रणाम करते हैं, और परमानंद से नंद बाबा आदि भी संपन्न हो गए थे, हम भी भगवान को प्रार्थना निवेदन करें कि हमें भी आपके चरणारविंद के आश्रय से ये सुख मिले, भक्ति मिले, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो और आपके चरण का आश्रय मिले। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस पुण्य प्रिय स्मरण पर्व के माध्यम से इन महापुरुषों के पुण्य श्लोकों के पुण्य स्मरण का भी अवसर मिला और श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन मनन करने का भी अवसर मिला, इसलिए श्री भागवत विद्यापीठ पूज्य श्री भागवत ऋषि जी और आप सबको प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः।